लगा आने वाला चांस वाला में हमें कोई नहीं देगा, तो हम किसको क्या देंगे। बेहतर तो यही है कि डायरेक्ट अपना ट्रेड हो, फ्यूचर देख रही हो अपना पाकिस्तान के अंदर सेफ या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, बोलते भी है ना हमें कोई भी गैर ममालिक है हमें अच्छा नहीं समझते। सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों बुराई चाहते हैं, और भी तो मुस्लिम ममालिक हैं। पाकिस्तान के लिए आपको पता अब का थोड़ी जाएंगे, वो तो शुरू से चाह रहे हैं। ज्यादातर ये जो हमारी सब्जी वगैरह है ये उधर से है तो फिलहाल काफी सस्ती हो जाती है। कल के परसों SCO की मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत से ममालिक इंडिया के साथ ऐड हुए थे, और वर्चुअल मीटिंग भी थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जिसमें जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था सर। उसमें भी कुछ मामला पे बात हुई, उसके बाद अगर हम देखें तो सर आज तक बहुत सी मीटिंग अटेंड किया पाकिस्तान ने इंडिया की और इंडिया ने पाकिस्तान की, लेकिन अभी तक ट्रेड नहीं बहाल हुई। क्या वजूहत है, क्या हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर हो जाती है तो क्या हमारे बेनिफिट्स हैं या नहीं। असल में ये बात है ना कि मुस्लिम ममालिक चुनते भी है ना हमें, कोई भी गैर ममालिक है वो हमें अच्छा नहीं समझते, हमसे खार खाते हैं, इसलिए नहीं कहते कि ये बहाल हो ये ऊपर जाए। हम क्यों नीचे से नीचे आ रहे ये इसकी इशू का पता नहीं क्यों हमें क्यों नहीं लगा। दुनिया में मुस्लिम ममालिक हम तो नहीं है ना, काफी है पर हमें अच्छा नहीं समझते। या तो हमारा ठीक नहीं है या हमारा मुल्क बहुत ज्यादा बदनाम है, जो कुछ तो इमरान खान ने बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया, वो चोर ये चोर वो चोर, हो या ना हो बदनाम तो हम वैसे भी है क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी कहीं पाकिस्तानी है, कोई भी है पाकिस्तान, मुस्लिम ममालिक बहुत है पर हम सबसे ज्यादा बदनाम है उसकी वजह से। ये नहीं कहा जाता मुस्लिम है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी है। सही बात है, हमारे को सऊदी को कोई किस केस में पकड़ा गया किसके, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तान के चाहे KPK का हो हमारे किसी भी सूबे का हो हम बदनाम है उसकी वजह से। और दूसरी बात ये अगर कोई गैर मुल्क हमारे साथ चाहे तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हाँ मुल्क हमारे साथ मुखलिस हो। सर अमेरिका ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमने अमेरिका ब्लॉक को चूज किया था, लेकिन आज तक अमेरिका ब्लॉक के बाद भी हमें वो बेनिफिट्स नहीं नजर आए। सैंक्शंस लगते हैं तो हम पे आइड होते हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मुंह तोड़ जवाब देते हैं लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर से उस तरह धड़ल्ले से जवाब नहीं दे पाते। क्या वजूहत है, क्या मकबूज कौम है, या फिर हमें वो चीज नहीं है कि हम डट के जवाब दे सके, किस चीज की कमी है। एक मिसाल है, हम भी कारोबारी लोग हैं ठीक है ना, हम जब चाइना जाते ना तो पैसे देके कपड़ा लेके आते, अगर जब हम उधार लेंगे ना फिर हम उनकी मानेंगे, हम अपने नहीं मान सकते। सही बात, मैं खुद बिजनेसमैन आदमी, हम उनकी बात मानते हैं अपनी मान, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। सही बात है, ये इशू है। आपने चाइना की बात की है कि अगर हम बात करें तो अजल से हम देखते हैं कि चाइना को एक चीज हमने सुनी है, दोस्त दोस्त दोस्त। आज तक चाइना ने हमारे साथ बुरा भी किया तब भी हम उसको कहते हैं दोस्त। अभी रिसेंट हमारे शहबाज शरीफ का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा कैसे करूं, चाइना का कहा कि मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता कि चाइना ने 3 दफा डिफॉल्ट ऑर्डर से हमें बचा लिया। क्या आपको लगता है कि चाइना हमारा मुखलिस दोस्त है या फिर उसके बेनिफिट्स यहाँ जुड़े हैं जिसकी वजह से वो हमें डिफॉल्ट होने से बचाता है। अच्छा एक बात, ये बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा चल रहा था हमारे जितने भी कारोबारी लोग है ना, बहुत अच्छा चल रहा था, पर हमारे लोगों ने उनको भी ठग दिया। वो कैश पे काम, पहले उधार काम करते थे, उधार करते थे काम, इतना उधार करते थे, हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान नहीं लिया है, इन्होंने हमारी मार्केटिंग देखी, जैसे हम आते लंडे बाजार में बहुत बड़ी मार्केट, शादमान में बहुत बड़ी मार्केट, आगे उन्होंने देखा है फिर उन्होंने हमारे साथ उधार, पर हमारे लोगों ने उनको भी ठग दिया। कसम से अब नहीं देते उधार, पहले देते थे खुद, हमारे साथ खुद आए यहाँ पर पाकिस्तान, 2-3 कपल आए यहाँ पर देख के, ये तो बड़े अच्छे लोग है, पर एक की वजह से 100 बंदा बदनाम होता है। अब हमारे साथ वो उधार बिल्कुल नहीं करते। अभी फ्रांस ने भी वीजा बंद किए हैं पाकिस्तानी सिटीजन के, और उससे पहले दुबई ने वीजा बंद किए थे बहुत से पाकिस्तानी शहरों के, मतलब लोगों के। तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से हम अपनी इमेज को दोबारा से क्रिएट अच्छा कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर आपने फ्रांस की बात बताई, वहाँ पर उन्होंने बेरोजगारी की थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो अल्लाह के भी जवाब दे। शहबाज शरीफ मिला, हम तो सोशल मीडिया पे देखते उसको इतना का गंदा कर दिया, इतना का गंदा कर दिया, जहाँ पर आपकी सोच खत्म हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह पाक उसे हम तो नारद भेजेंगे, एक दफा नहीं 100 दफा नारद भेजेंगे, पर सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया देखती है, अगर हमारा पाकिस्तान चैनल को नहीं देखता, सोशल मीडिया सारी दुनिया देखती है, तो हम खुद देखते हैं इतना उसको गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं, शहबाज शरीफ को, हमारे CM को, तो लोग क्या कहेंगे यार, इंग्लिश में भी कमेंट हुए। देखिए मैं आपसे आपको एक बात कहूंगी, आप अपना जवाब दीजिएगा, अगर हम दो प्राइम मिनिस्टर्स को रखें, 10 सालों की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया पर राज कर रहे हैं, आज हम कुछ भी उठा ले मोदी 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 हर तरफ, हम दूसरे जानिब शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की बात करें तो कितने साल पुराने हैं सर, वो इमेज वो इज्जत वो नहीं बना पर दुनिया में जो मोदी ने 10 सालों में बनाई, क्या वजूहत है। अच्छा मैं तो रोज, मेरे पास डिश भी लगी, मैं तो रोज मीडिया के चैनल देखता ना, वो तो रोज इलेक्शन होते हैं, कसम से रोज, कोई छुट्टी नहीं,
अगर महीने में चार पांच दफा तो लाजमी इलेक्शन होते, कोई 10 सीटें पता नहीं 20 सीटें पे रोज होता है और मोदी जीत रहा है। बीस लास्ट टाइम मोदी जीते आने वाले 10 साल, ये भी 10-20 सीटों पे इलेक्शन था, 19 का 18 सीटों ने जीती है, और दो जीतो भी आजाद मुखालिफ नहीं जीते, वो भी आजाद उम्मीदवार। क्यों क्यों क्या क्या वजूहात है? कुछ होगा उनमें। आज हम देखें पांचवी मौसियत है दुनिया की, तो हम देखें तो 10 सालों में ही बनाई है, पीछे से चलता आया लेकिन 10 सालों के अंदर क्रिएट हुआ है। क्या हमारे इंडिया ने भी IMF से एक दफा कर्जा लिया और बांग्लादेश ने भी लिया, लेकिन हमने कितनी दफा लिया? बेशुमार। हमने दोबारा भी फिर लिया है। और जो कहते थे हम कश्कोल लेके नहीं जाएंगे, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, हमारे खान साहब उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। करते क्या है? मेरा गाड़ियों का काम है, रेंटे कार। बिल्कुल सही सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन ये है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, गरीब आवाम गरीब से गरीबतर और जो मिडिल क्लास है वो गरीब होती जा रही है, मुझे बताइएगा आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देते हैं? हमारे शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान वो कौम वो मुल्क बनेगा जो दूसरों को कर्जे दिया करेगा। आपको लगता है करंट गवर्नमेंट क्या इस मुकाम पर पाकिस्तान को ला छोड़ा है कि वो आने वाले चंद सालों के अंदर दूसरों को कर्जे देगा? देखें जी, पहली तो बात है कि जैसे इनकी गवर्नमेंट पहले चल रही थी ना, वो बहुत अच्छी चल रही थी। अब जिसने जो किरदार अदा किया है वो सबको पता, नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी जो पोजीशन है ना, अभी यही है कि ये हुकूमत इनकी बनेगी प्रॉपर, मियां साहब आएंगे, वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से मुल्क तरक्की करेगा। सर आपको क्या लगता है कि ये एक खानदान जो कि 30 से 35 साल हो गए हैं, बदल बदल के जो हुकूमत कर रहे हैं, क्या किसी और को मौका देना चाहिए? और क्या पाकिस्तान में ये हुकूमत एक घर बना चुकी है जिस तरह से श्रीलंका में हुआ था? अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा बेहतरीन जवाब दूंगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आप कह रही हैं कि यही हुकूमत बनाते हैं हर मरतबा, मुझे बताएं कि इमरान खान को हमने मौका दिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके मुल्क को तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इस चीज में कोई बताए मुझे उन्होंने क्या काम किया? इमरान खान, चले मान लेते हैं इमरान खान खुद ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, उसके नीचे जो सारी टीम थी वो क्या थी? वो सारे चोर थे, कोई नून लीग से आया हुआ था, कोई पीपल पार्टी से आया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पहले मुल्क तो चल रहा था ना, अब जो मुल्क के हालात है वो इसका सारा जिम्मेदार जो है पीटीआई है। सर आखिरी एक क्वेश्चन है आपसे, SCO की मीटिंग हुई जिसके अंदर बहुत से ममालिक शामिल थे, पाकिस्तान भी शामिल था, अब वर्चुअल मीटिंग के अंदर बहुत सी बातें हुई। सर अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद, अभी तक देखें इमरान खान के बाद ट्रेड बंद हुई, दुबई के रास्ते से आज भी ट्रेड हो रही है, लेकिन वो सिर्फ जुल्म है अपनी आवाम पर। आप मुझे बताएं सर कि ये दुबई के रास्ते की ट्रेड कब तक चलेगी और कब खत्म की जाएगी और किसकी जानिब से खत्म करनी चाहिए और इसमें किसकी ज्यादा गलती है? क्या पाकिस्तान की जानिब से अनाप्रस्ती है या इंडिया की तरफ से अनाप्रस्ती है? देखें जी, पाकिस्तान को तो दूसरा जो ममालिक मुल्क है वो तो चाहेंगे कि ये दिन ब दिन तरक्की ना करें, ये नीचे जाए, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के अंदर मेन अदारे हैं, जैसे कि आपकी फौज है, चीफ जस्टिस है, उसके बाद आपके सियासतदान हैं, इनको अपना अपना जो मेन किरदार रोल अदा करना चाहिए, वो करें, अच्छे तरीके से करें तो मुल्क तरक्की करेगा। सर आपने कहा है दूसरे ममालिक चाहेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों बुराई चाहते हैं? और भी तो मुस्लिम ममालिक हैं। पाकिस्तान के लिए आपको पता अब का थोड़ी चाहेंगे, वो तो शुरू से चाह रहे हैं। क्यों, क्यों रीजन? वो इसलिए चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना कर दे। सर क्यों रीजन? हमारे सिर्फ मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी है, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, मैं कहती हूँ हर जगह पे मुसलमान है, तो फिर पाकिस्तान ही क्यों? सबसे पहली बात है कि मैडम मैं मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग है ना, वो अगर आपस में सारे इदारे वाले ना मुखलस हो जाए ना, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बाहर वाले तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले तो अपने मुखलस नहीं ना हो रहे, वो कह रहा है मैं इसको पकड़ लूं, वो कह रहा है मैं इसको पकड़ लूं, इसी चक्कर में सारा मुल्क तबाह हो रहा है। सही बात, और मुसलमान मुसलमान को खा भी रहा और मार भी। हाँ, और बाहर वाले तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो अपने ही हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो जब बाहर वालों का मौका मिलता है वो देखते हैं, तो ये बल्कि उनकी सपोर्ट लेके पाकिस्तान पे और कराते हैं, तो इसलिए ये मेन चीज है सारी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि दुश्मनी या भारत का जो क्लैशेज हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर ट्रेड है अपना दोनों ममालिक के दरमियान चलती रहनी चाहिए, अगर वहाँ से कुछ इम्पोर्ट हो सकती है या हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसको करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हम अभी की बात करें तो आपको भी पता है कि इंडिया की बहुत सी चीजें हम यूज करते हैं, बट हम दुबई के रास्ते से मंगवाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये दुबई का रास्ता किसने क्रिएट करवाया है, पाकिस्तान की गलतियों की वजह से या फिर इंडिया की अनाप्रस्ती की वजह से? अब किसी की भी गलती की वजह से हो, लेकिन बेहतर तो यही है कि डायरेक्ट अपना ट्रेड हो, बजाय इसके कि वो जो इसके एक्सपेंसिव ज्यादा पड़ते हैं, कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो बेहतर है कि जब ट्रेड होनी है, जब हो रही है, तो डायरेक्ट
वागा के रास्ते हो जाए या जो भी बेहतर है अपना इसके लिए डायरेक्ट अपना रास्ता यूज किया जाए। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल सर, क्या बीइंग अ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि ब्रादरान जितने भी ममालिक हैं, मैं सबको ब्रादरान कहती हूँ, जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, या फिर जिस तरह से इमरान खान की पॉलिसीज थी कि एक लेवल के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, क्या वो होनी चाहिए? नहीं, एक लेवल पर बात होनी चाहिए, लेकिन यह है कि अपना रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए हर मुल्क के साथ। कभी झुकना पड़ता है, कभी झुकाना पड़ता है, ऐसे ही है। मैं वही बता रहा हूँ कि एक लेवल के साथ बात होनी चाहिए, कोई भी मुल्क है रिस्पेक्ट के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें ना अपना सफ़र हो, तो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इस्लामी क्या गैर इस्लामी जो मुल्क हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सर, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आपने कहा है गैर ममालिक, गैर इस्लामिक ममालिक के साथ भी होना चाहिए, तो आज तक हम यही क्यों कहते आए हैं कि जो इस्लामिक मुल्क है वही हमारा भाई है और वो ही हमें सपोर्ट कर सकता है, दुबई, सऊदीया, टर्की, हम गैर मुस्लिम को क्यों नहीं कहते? नहीं, क्यों नहीं, इसके अलावा क्यों चाइना करता है? चाइना इस्लामिक मुल्क नहीं है। चाइना तो अजल से हमारा दोस्त है सर, उसको तो हम दोस्त के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। तो यूरोप में हमारा इतना माल जाता है, सप्लाई जाती है, एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छे ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ ट्रेड के हद तक कुछ मामलात है, लेकिन अच्छे ताल्लुकात किसी के साथ भी, अगर आप सबूत चाहते हैं तो मैं सबूत भी देने को तैयार हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर नहीं है तो उनको अच्छा बनाना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने जाहिरी बात है कि पाकिस्तान ने इसी दुनिया में रहना है, अपना सर्वाइव करना है, तो उसके करने के लिए आपको कोई भी मुल्क है दुनिया का उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? महजबीन। क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। किस हवाले से? बैंकर। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही। अच्छा महजबीन, मुझे ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या फ्यूचर देख रही हो अपना पाकिस्तान के अंदर, सेफ या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। कैसे? देखो यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, डिग्रीज कंप्लीट पे कंप्लीट होती जा रही है, बट जो है उनके पास वैकेंसीज नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। अगर आती भी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरिट पे उनको हायर करते भी हैं। तो आप एक बैंक में जॉब करी हो, बैंक में जॉब करने के लिए क्या कुछ किया, कितनी स्टडीज की, कैसे अप्लाई किया, किसी के रेफरेंस है या अपनी क्वालिटी बेस? नहीं, बैंक में तो मैं खैर अपने पे ही बेस पे ही गई थी। और यहाँ पर अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो आप जिस आपकी जितनी डिग्री है उतनी डिग्री पे बाहर की कंट्री में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ ऐसा है, फर्दर अगर आप फॉरेन कंट्रीज का देखो तो उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी है आईटी फील्ड में, यहाँ पे नहीं है। और अगर इसी सैलरी को लेकर चले तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में फ्यूचर हमारा सिक्योर है। आप इस टाइम बताएं दुनिया में आईटी हब कौन है? मेरे ख्याल से तो चाइना, यूएसए चले जाओ, यूके चले जाओ, अगर मैं कहूँ इंडिया, अगर मैं कहूँ इंडिया, इंडिया में भी देखो भाई बहुत ज्यादा वहाँ पे जो है ना, नहीं अभी पता है इंडिया आईटी हब है पूरी दुनिया का, और इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में इतने फार हो गए हैं कि यूएस, चाइना, रशिया सब उनकी टेक्नोलॉजी अवेल कर रहे हैं, ले रहे हैं। और इवन अभी लास्ट टाइम भी जो यूएस को 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने जा रहे थे वो लोग, इंडिया वाले। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, एक इंडिपेंडेंस 14 और 15 अगस्त, लेकिन हम लोगों ने क्या किया अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, उन लोगों ने क्या किया अपने आने वाले फ्यूचर के लिए? हमने तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं। बिल्कुल सही, जॉब करते हैं, उस जॉब के अंदर इस टाइम के हालात के मुताबिक क्या गुजारा हो रहा है? तो बहुत मुश्किल से है। क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि ये दिन हमारी कौम को देखना पड़े, हमारे ऑफिशियल्स को क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्या शिकायत हैं, कुछ कहना चाहते हैं हमारे देखने वाले व्यूवर्स को? ज़्यादातर तो ये है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही है कि वो बहुत ज़्यादा है, चार यूनिट फिर बढ़ाए जा, फिर गैस का बिल जो नॉर्मली 500-600 आता था वो अब वही 4,000 से 5,000 रुपये तक चला गया हुआ है, और गैस भी नहीं आती, गैस आती भी नहीं है, दिन में सिर्फ 2 टाइम आ रही है बस। सही बात है। आप मुझे बताइएगा सर कि इस टाइम जो है अभी कल ही एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान, इंडिया और बाकी दीगर ममालिक की, उसके अंदर काफ़ी मुज़ाकरात किए गए, काफ़ी बातें हुई, और अगर हम देखें तो आज सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान कंट्री है जो कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाकर ट्रेड नहीं कर रही, दुबई के रास्ते से कर रही, आप भी जानते होंगे। आप मुझे बताइएगा सर सिर्फ वाहिद पाकिस्तान ही क्यों, बाकी भी तो मुस्लिम ममालिक है पाकिस्तान के अलावा, मैं कहती हूँ बहुत रिच ममालिक है लेकिन वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? बॉर्डर भी बॉर्डर तो होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाती है, ज़्यादातर ये जो हमारी सब्ज़ी वगैरह है ये उधर से है तो फिलहाल काफ़ी सस्ती हो जाती है, उधर से चीनी भी उधर काफ़ी सस्ती है,
और ये हो जाए। हाँ तकरीबन पाकिस्तान से हवाले से काफी सस्ती है, तकरीबन आधे से आधा फर्क है रेट का। वहाँ पे जो चीज 10 रुपए की यहाँ पे वो चीज 50 की। हाँ ऐसे ही है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान की गलतियाँ हैं हमारे आस पड़ोस के मोहाली के साथ ताल्लुकात बहालने की, या फिर हर कोई पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान को पसंद नहीं करता? पाकिस्तान का दुश्मन तो नहीं, हर बंदा बस अपने ही सोच रहा है कि क्या पाकिस्तान को नहीं सोचना चाहिए। ये पाकिस्तानी वहां को खुद सोचना चाहिए कि उसने किस तरफ जाना है। ये उधर छोटा सा सवाल है, इमरान खान के पीछे दुनिया भर निकली, मतलब पाकिस्तान की एक एक आवाम निकली, क्या कभी आटा महंगा होने पे निकली? क्या कभी पेट्रोल महंगा होने पे निकली? क्या कभी कोई मतलब अपने हक के लिए बाहर निकले? आज पेट्रोल महंगा होता है, सब पेट्रोल निकलवाने चले जाते हैं, इत्तेजाज कोई नहीं करता। अपने हक के लिए तो वहां कभी भी नहीं निकली, इसी वजह से ये हालात है। अपने हक के लिए तो निकलना चाहिए इन लोगों को, पर किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो निकले। सही बात। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी देखने वाले व्यूवर्स और हमारी करंट हुकूमत को? करंट हुकूमत को बस ये दूंगा कि गरीब वहाँ पे थोड़ा सा तरस खाएं। हमारी ये बात